इधर बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे राज्य में छठ पूजा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है और जिला प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ घाटों पर सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का प्रबंध सुनिश्चित कर रहा है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने आज घाटों का निरीक्षण करते हुए विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश भी जारी किए। पटना जिला प्रशासन ने छठ पूजा के मद्देनजर घाटों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष तैयारियां की है और पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने आज कलेक्ट्रेट घाट से लेकर लगभग 6.3 किलोमीटर की दूरी तक फैले विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। दिन है सुबह सुबह 6:30 बजे से हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। कल पहले दिन हम लोग दीघा घाट से कलेक्ट्रेट घाट तक निरीक्षण किए थे और आज फिर हम लोग कलेक्ट्रेट घाट से लेकर के गाय घाट तक कर रहे हैं, जो पक्का घाट बना हुआ है हम लोगों का लगभग 6.5 किलोमीटर का। छठ महापर्व को लेकर के तैयारी चल रही है, 7 और 8 नवम्बर को है और गंगा के जो विभिन्न घाट हैं शहरी क्षेत्र का, उसका हम लोग विशेष रूप से देख रहे हैं। कल से सुबह 6:30 बजे से हम लोगों ने दीघा घाट से कलेक्ट्रेट घाट को देखा और आज कलेक्ट्रेट घाट से गाय घाट हम लोग पहुंचे हैं। पैदल रास्ते हैं उनका भी चलकर हम लोग देखते हैं कि किन रास्तों में क्या समस्या है, जिसको पर्याप्त समय रहते हुए उनकी जो बाधाएं हैं उनको दूर किया जा सके और मरम्मती कराई जा सके, जिससे घाट तक आने जाने वाले रास्ते में कोई समस्या न हो और घाट पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो।